अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं थोड़ी सैड हूँ क्योंकि लिए पापा मम्मा और भाई बीमार हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पापा हैं और ये अभी हम सोए के उठे ही थे। तो पहले रात को भाई अब्दुल हनान बीमार था, फिर उसके बाद मम्मा रात को बीमार हो गई, फिर उसके बाद पापा बीमार हो गए। सुबह उठे तो तीन तीन बेड पे पड़े थे। एक पट्टी सर पे बांध के हटा था और दूसरा मम्मा भी सर पे पट्टी बांध के हटी थी और भाई कंबल ले कर रहा था और ये शाल अभी तक सो रही है और ये मम्मा है और वो भाई की भी तबीयत खराब है इसलिए वो कंबल में लेटा हुआ है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं अभी मम्मा ने ब्रेड खाई है, नाश्ता किया है, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। आज मैंने स्कूल से भी छुट्टी कर ली, तो अब क्या होगा, आगे फिर मिलूंगी आपसे। जी तो बट हमारे घर की हालत इतनी बुरी हुई है कि देखें, कल हम शादी से आए थे तो ये कपड़े ऐसे हमने रख दिए क्योंकि लेट आए थे और सर्दी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमने कपड़े ऐसे कैसे रख दिए। ये भाई की जैकेट्स और पर बाथरूम में तो भाई नहा के निकला, फिर अंदर चला गया और भाई था और ये हमारे किचन की हालत देखे बेचारा। किचन सुबह नाश्ता बनाया और वैसे ही रख दिया और मम्मा सो रही है अब, इसलिए मैं बर्तन धोऊंगी आज। ये देखें बर्तन थोड़े ही हैं लेकिन जमा करके और इनको पूरा किचन साफ करना है तो टाइम लग जाएगा, तो अब शुरू करते हैं बर्तन धोना। देखें किचन साफ हो चुका है सारा, अब आ गई है कमरे की बारी साफ करने की, तो चलें अब कमरे को साफ करते हैं। मम्मा ही रखती है इन कपड़ों को, मुझे नहीं पता, तो इसलिए अभी मैं ऐसे रखी जा रही हूँ। जब मम्मा की तबीयत ठीक होगी मम्मा ऊपर आके सारा कुछ अच्छे से लेके अच्छे से संभाल लेंगे। बाहर नहीं जाना। अभी निक्की की बाटी भी साफ करनी है और निक्की को मैं रात को बॉईल करके रखी थी चिकन, चिकन
कबूतर घूमता है। तो अभी थोड़ी देर बाहर उसको दूंगी, और अभी जो थोड़े थोड़े कीड़े ला रहे हैं अंदर, बेड नहीं ठीक हुआ, चादर नहीं ठीक हुआ, अभी जाकर ठीक करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, आज आप कहते होंगे सारा काम स्टार्ट ये जन्नत से, तो आज जैसे आपने देखा होगा कि जन्नत की भी बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी ठीक नहीं थी, बेटे भी की भी नहीं ठीक थी। तो सुबह का जितना वर्क जन्नत से हो सकता था उसने किया, बल्कि स्कूल से आज उसे बेचारे को छुट्टी भी करनी पड़ी। अभी ये देखे बर्तन अभी भी थोड़े बहुत धोने वाले हैं, तो अब वो बेचारी काफ़ी थक चुकी थी कुछ, इसके बाबा की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने में फिर उन्हें हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला उनको लाइट डाइट दें, तो ये मैं अब साबुदाना मंगवाया था बेटे से, मैंने कहा ये बनाती हूँ, तो मैंने कहा चले व्यूअर्स के साथ अपनी ये टेंशन परेशानी को शेयर करते हैं और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैंने कहा जनाब शाम की जो थोड़ा बहुत खाना पीना वो मैं कर देती हूँ, तो जन्नत काफ़ी थक चुकी थी। अब ये दूध बॉयल कर रही हूँ साथ में, ये साबुदाना रख रही हूँ ऊपर, बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा बहुत यही खा लूँगी, तो इनके पापा को भी दे दूँगी, क्योंकि बताया तबीयत ठीक नहीं है, बड़ा बेटा है जो मेरा अफजान उसकी भी ठीक नहीं थी, तो आधे मेंबर ठीक है आधे बीमार हैं, तो बस इसी तरह ही है। मैंने कहा चलें जो सेहतमंद है वो माशाल्लाह उनके लिए ये चावल बने बने हैं वो चाहिए खाएंगे, तो मैंने कहा जो बीमार है उनके लिए हम खुद ही बीमार के लिए बना देते हैं। मेरी फैमिली कहती होगी जनाब एक दिन इनका व्लॉग आया वो आया मेहंदी का और नेक्स्ट व्लॉग, हमने तो कहा बारात का आएगा तो ये क्या, ये तो आ गया बीमारी का। तो जनाब कोई खाया भी बहुत ज़्यादा नहीं था, शादी तो अच्छी गुजर गई थी, शादी या तो रास नहीं है, यानी हमें महंगी पड़ गई यूँ कह लें, लेकिन शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई। तो बस कुछ कह लें कि बीमार होने की वजह से फिर हम अटेंड भी नहीं कर सके, तो इसलिए हमने कहा चले जितने नसीबों में कहते हैं ना रिजक जितना नसीबों में होता है उतना ही मिलता है, तो जितना हमारे नसीबों में था शादी का खाना पीना इंजॉयमेंट वो हमें मिल गई, तो बीमार होने लगे वो बाकी के लिए हो गई। तो लिहाजा अब हम कर रहे हैं अपने खाने पीने का अरेंज, तो मैं ये बना के और इसके पापा को देती हूँ। मैंने जी आपका साबुदाना और ये दवाई भी जो टैबलेट्स खाई है उससे पसीना बहुत ज्यादा बाहर है, बहुत सारा फीवर उतरेगा तो होगा ही सही, यहाँ से भी गर्म बहुत है, अच्छा मिला लीजिएगा और ये शेयर नहीं कर देना, इशारे इशारे करी जा रही है इसलिए ये शाल के लिए नहीं, शाल को मैं देती हूँ आप ये खा लें। अच्छा जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड था, किसी तक क्योंकि पापा तबीयत पापा की तबीयत खराब थी, पापा को रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इसलिए मैंने कहा आज व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन अगली बार इससे बहुत अच्छा व्लॉग आएगा। और काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।